श्री ललिता सहस्र नाम की महिमा। श्री विद्या साधना में जैसे श्री यंत्र और श्री मंत्र का महत्व है, वैसे ही श्री ललिता सहस्र नाम स्तोत्र का भी महत्वपूर्ण स्थान है। श्री ललिता सहस्र नाम स्तोत्र की महिमा का शब्दों में वर्णन करना असंभव है। इसीलिए भगवान हयग्रीव ने कहा है कि यथैव गोप्या श्री विद्या तथा गोप्यमिदं मुने। जैसे श्री विद्या का मंत्र गुप्त रखना चाहिए, उसी प्रकार इस श्री ललिता सहस्र नाम को भी अनधिकारी को नहीं देना चाहिए। अतः ब्रह्मांड पुराण में इसकी महिमा का जो वर्णन प्राप्त होता है, उसी का संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। महर्षि अगस्त्य ने भगवान हयग्रीव से प्रश्न किया, भगवान आपने श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी के परम अद्भुत चरित्र के में सर्वप्रथम श्री माता का प्रादुर्भाव, पट्टाभिषेक, भंडासुर का वध एवं महावैभवशाली श्रीपुर का वर्णन किया। श्री पंचदशाक्षरी मंत्र, महाषोडशादि न्यास, अंतर्याग, वहिर्याग, महायाग का पूजा क्रम में वर्णन किया। पुरुष चरण खंड में मंत्र जप करने का विधान, होम प्रकरण में सब कामनाओं की सिद्धि के लिए विविध होम सामग्रियों, श्री यंत्र, श्री विद्या और श्री गुरु तत्व रहस्य खंड में गुरु देवता मंत्र का सामरस्य वर्णन किया। स्तोत्र प्रकरण में अनेक प्रकार की स्तुतियां, संगीत श्यामला और वार्ताली सहस्र नाम स्तोत्र का उपदेश किया। हे दयानिधे सर्वज्ञ भगवान, मेरा यह संशय है कि क्या आपको यह विस्मरण हो गया, या जानते हुए भी उपेक्षा की, या मैं उसको सुनने का अधिकारी नहीं हूं। अतः आप कृपा करके मेरा संशय दूर करें कि किस कारण से आपने श्री ललिता सहस्र नाम स्तोत्र का वर्णन नहीं किया। इस प्रकार महर्षि अगस्त्य के पूछने पर भगवान हयग्रीव परम प्रसन्न होकर बोले, हे महर्षि, सावधान होकर सुनो, इसका कारण बताता हूं। यह परम रहस्य अत्यंत गोपनीय स्तोत्र है, इसी कारण इसको प्रकट नहीं किया। भक्ति श्रद्धा से एवं उत्कट होकर तुम जो पुनः पूछ रहे हो, इसीलिए अब बता रहा हूं। परंतु दुष्ट, षट, अविश्वासी, नास्तिक, जो श्री माता का भक्त ना हो, उसको कभी नहीं बताना। सदाचारी, शुद्ध बुद्धि श्री माता का उपासक ही इसका अधिकारी है। तंत्र शास्त्रों में जितने सहस्त्र नामों का वर्णन है, उन सब में यह श्रेष्ठ है। जैसे समस्त मंत्रों में श्री विद्या का मंत्र, श्री विद्याओं में कादि विद्या, पुरों में श्रीपुर श्री विद्या और श्री विद्या उपासकों में श्री सदाशिव श्रेष्ठ हैं, उसी तरह समस्त सहस्त्र नामों में यह श्रेष्ठ कहा है। इसके पाठन मात्र से भगवती श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न होकर सभी कामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। अतः श्री माता की प्रसन्नता के लिए इसका निरंतर पारायण करना चाहिए। इन हजार नामों से श्री माता पर विल्व पत्र, तुलसी पुष्पों से पूजन करने से श्री ललिता माता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। श्री यंत्र का पूजन, पंचदशाक्षरी श्री विद्या मंत्र का जप करके इसका पाठ करना चाहिए। पूजा जप करने में असमर्थ होने पर केवल सहस्र नाम का पाठ कर लेना चाहिए, इससे पूर्ण पूजा और जप का फल हो जाता है। भगवान हयग्रीव ने कहा कि ललिता सहस्रनाम का पाठ कर लेने से श्री विद्या उपासना का पूर्ण फल क्यों होता है, इसका कारण बतलाता हूं। एक समय की बात है, श्री ललिता माता अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए वशिनी आदि आठ वाणी की देवियों को आदेश दिया कि तुम लोगों ने मेरी कृपा से वाणी का चातुर्य प्राप्त किया है और श्री यंत्र के रहस्य को भी जानती हो,
अतः मेरे नामों का एक ऐसा स्तोत्र बनाओ जिसके पाठ करने से भक्तों पर मेरी तत्काल प्रसन्नता हो जाए। वाग देवताओं ने परमंबा के आदेश अनुसार ललिता सहस्रनाम की रचना की। कदाचित श्री माता की सभा में समस्त देवी देव विराजमान थे तो वाग देवताओं ने सहस्र नामों से करबद्ध प्रार्थना की। स्तोत्र सुनकर श्री ललितांबा प्रसन्न होकर सभी उपस्थित देवताओं को बोली कि मेरी आज्ञा से वाग देवियों ने इस स्तोत्र की रचना की है, आप लोग भी इसका पारायण करें और मेरे भक्तों में इसका प्रचार करें और सबको कहो कि इसका पाठ मात्र करने से श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न होकर सभी कामनाओं को पूर्ण कर देती है। उनकी प्रसन्नता से सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। अतः आदर पूर्वक इस स्तोत्र का प्रतिदिन पारायण करना चाहिए। उसी दिन से ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, वशिनी आदि 8 वाग देवता भी इसका प्रतिदिन पारायण करते हैं। अतः श्री विद्या उपासक भक्त को इसका प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। इस ललिता सहस्रनाम स्तोत्र में 1000 नाम हैं। इसमें पुनरुक्ति दोष यानी एक बार कहा हुआ नाम दोबारा नहीं कहा गया है और स्तोभ यानी च, तू, ही, वे आदि पाद पूर्ति के लिए कोई व्यर्थ शब्द नहीं है। श्री माता का अनशिक सौंदर्य लावण्य का वर्णन है। ऐश्वर्य, विभूति, बल, पराक्रम, वैभव, सिद्धियां आदि गुणों का वर्णन किया गया है। अतः ये नाम मात्र ना होकर मंत्र स्वरूप माने गए हैं। अतः इसका पाठ मात्र करने से संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह रहस्याति रहस्य स्तोत्र है और श्री ललितांबिका को शीघ्र प्रसन्न करने वाला है। इसके समान पहले कोई स्तोत्र नहीं था और आगे भी नहीं होगा। इसके पाठ मात्र से सब रोगों का नाश हो जाता है व समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति, अकाल मृत्यु का निवारण, समस्त भय, विघ्न, बाधाओं की निवृत्ति होती है। हमारे शास्त्रों में व्रत, उपवास तथा दान, पुण्य, धर्म, तीर्थ, यात्रा आदि जितने पुण्य कारणों का और कार्यों का वर्णन है, उन सब का फल इसके पाठ मात्र से हो जाता है। इतना ही नहीं, इसमें लिखा है कि सहस्रनाम स्तोत्र के एक नाम में जितनी पाप निवारण करने की शक्ति है, उतना पाप 14 भुवन मिलकर भी नहीं कर सकते। इस कलयुग में धर्मानुष्ठान आदि विविधवत होने असंभव है, अतः पापों की निवृत्ति और पुण्य फल की प्राप्ति के लिए श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्र को छोड़कर दूसरा कोई सहारा नहीं है। श्री यंत्र की पात्र साधना पूर्वक नवावरण पूजा करके पत्र, पुष्प, फल आदि से एक बार भी सहस्रनामों से पूजन करने से अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्मांड पुराण में लिखा है। इसी प्रकार सांसारिक समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इसमें कई प्रयोग लिखे हैं जिनको गुरु मुख से समझकर करने से तत्तत् कार्यों की सिद्धि होती है। इसके लक्षार्चन अनुष्ठान करने से बड़ा कार्य सिद्ध हो जाता है। इसकी विधि हमारे श्री विद्या रत्नकार में लिखी है। इसी प्रकार कोटि अर्चन भी किया जाता है। फिर भगवान हयग्रीव अगस्त्य मुनि से बोले कि यह सहस्र नाम मैंने श्री ललितांबिका की आज्ञा से तुमको बताया है, अपनी स्वेच्छा से नहीं कहा है, अतः इसका निरंतर पारायण करते रहना। भगवान हयग्रीव इस प्रकार श्री ललितांबिका का ध्यान करके आनंद मग्न हृदय हो गए और गात्र से पुलकावित व्याप्त हो गई। इस प्रकार ब्रह्मांड पुराण में कहा गया सहस्र नाम का महात्म्य का कुछ अंश प्रस्तुत किया गया है। इससे साधकों की श्रद्धा भावना जागृत होगी और कल्याणमयी, करुणामयी परमाम्बा भगवती श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी की उपासना में वे सब